कब हमें सेरेलेक नहीं देना चाहिए, कैसे बेस्ट सेरेलेक चूज करें, क्या सेरेलेक से वेट गेन होता है, ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। बेबी से हेल्थ रिलेटेड टाइमली अपडेट पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि हम आपके आंसर्स जल्द से जल्द दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेरेलेक होता क्या है? सेरेलेक एक मिक्सचर होता है जिसमें कुछ सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज वगैरह होते हैं। साथ में इसमें कुछ फ्रूट्स पल्प हो सकते हैं या फ्रूट जूस कंसंट्रेट हो सकता है। फैट के लिए इसमें सोयाबीन ऑयल या कोई और ऑयल हो सकता है। प्रोटीन के लिए इसमें मिल्क सॉल्यूट हो सकते हैं या दालें हो सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐड होते हैं। तो ये सारी चीजों से मिलकर बना होता है सेरेलेक। इसके खास बात ये होती है कि ये इंस्टेंट फूड होता है और आप इसे तुरंत दे सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रैवल में भी बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक रेगुलर फूड को ले जाना, उसे स्टोर करना, उसे गर्म करना, बच्चे को खिलाना बहुत ईजी नहीं होता है, जबकि सेरेलेक आप बहुत ईजिली दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि नुकसान क्या होते हैं या हमें कब सेरेलेक नहीं देना चाहिए, तो जी हाँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, अगर आप बच्चे को रेगुलर सेरेलेक देते हैं तो बच्चा क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है। फिर वो उसे उसी तरीके की लंपी चीजें पसंद आती हैं और वो रेगुलर फूड को इतने जल्दी खाता नहीं है या देर से खाना शुरू करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा क्योंकि खाता नहीं है, उसके वेट गेन के लिए मैं उसके उस सेरेलेक दे दूं, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आगे चलकर आपका बच्चा नॉर्मल फूड जल्दी नहीं खाएगा। जो लोग कहते हैं कि सेरेलेक खाने से वेट गेन होगा, तो ये सच है कि सेरेलेक खाने से वेट गेन तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल फूड है, जो रेगुलर फूड है, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, साथ में उनमें वेरिएबल फ्लेवर होते हैं। जब बच्चा 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच का होता है तो उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं, मतलब उसे अलग अलग फ्लेवर्स का एहसास हो रहा होता है और ये फ्लेवर्स जो उसे अच्छे लगते हैं वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो इस समय अगर आप अपने बच्चे को अलग अलग फूड खिलाते हैं, जैसे कभी खिचड़ी, कभी रागी, कभी दलिया, तो वो अलग अलग फूड का स्वाद लेगा, उसे समझेगा, साथ ही में उसे अलग अलग तरीके की न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो ऐसा बच्चा आगे चलकर बहुत ही अच्छा ईटर बनेगा, पिकी ईटर नहीं बनेगा और एडल्टहुड में भी एक हेल्दी डाइट फॉलो कर पाएगा। बहुत ज़्यादा सेरेलेक देने से बच्चे क्या होते हैं, एक नॉर्मल फूड को खाना भूल जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर राजीव ने एक बुक लिखी है फितूर, इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी पोएम्स है। तो अगर आप एक बुक रीडर हैं, एक लवर है, इमोशनल पोएम्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बुक ज़रूर खरीदें अमेजोन से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सेरेलेक में आपने देखा होगा, अगर आप बॉक्स को पीछे पलट कर देखेंगे तो उसमें एडेड शुगर लिखा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल से कम के बच्चों में एडेड शुगर नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार का शुगर या सॉल्ट नहीं देना चाहिए। अगर जो सेरेलेक एडेड शुगर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें फ्रूट जूस कंसंट्रेट ये चीज़ रहती है। अब ये फ्रूट जूस कंसंट्रेट है क्या? जब फ्रूट जूस को उसका जब हम पानी निकाल लेते हैं तो जो बाकी जो बचता है उसे हम कहते हैं फ्रूट जूस कंसंट्रेट, और इसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल शुगर होता है, तो ये भी बच्चे के लिए हानिकारक है। अगर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा शुगर दी जाए तो ऐसे बच्चों में ओबेसिटी होने की, मतलब आगे चलकर मोटापा होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो क्या सच में सेरेलेक इतना बुरा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेरेलेक आप दे सकते हैं, लेकिन उसे आप एक रेगुलर मील ना बनाएं। सेरेलेक आप कभी कभी दे सकते हैं, जैसे हम कभी जाते हैं बाहर का खाना खाते हैं और हमें अच्छा लगता है, सिमिलरली उसी तरीके से उसका टेस्ट चेंज करने के लिए, या अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं खा रहा है या बिल्कुल ही फजी सा है, तो थोड़ा बहुत कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन सुबह शाम रात दिन भर सेरेलेक देना इज़ अ नॉट अ गुड ऑप्शन। सेरेलेक खरीदने के पहले आप क्या देखें? जब भी आप मार्केट में सेरेलेक खरीदने जाते हैं तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पहला, वो फसाई रेगुलेटेड है या नहीं, FSSAI, ये मार्क उसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये वो एजेंसी है जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है। दूसरा, जो आप सेरेलेक ले रहे हैं वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। अलग अलग बच्चों की एज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेरेलेक होता है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि
अगर 6 महीने से लेके 8 महीने तक का बच्चा है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियल्स बेस्ड होता है। 8 महीने से 10 के बीच में उसमें फ्रूट पल्प्स आ जाते हैं, थोड़ा बहुत दालें आ जाती हैं। 10 से 12 के बीच में वेजिटेबल बेस्ड हो जाता है और च्यूवी टेक्सचर हो जाता है। तो एज देखकर आप ज़रूर खरीदें। दूसरा, जब भी आप बच्चे को खिला रहे हैं तो उसके डाइल्यूशन का ध्यान रखें। जब भी आप सेरेलेक मिक्स कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि जैसे हम भजिए का आटा बनाते हैं उस टेक्सचर का होना चाहिए। मैक्सिमम सेरेलेक के डब्बे के पीछे में एग्जैक्टली लिखा होता है कि आपको कितना सेरेलेक और कितना वाटर मिलाना चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तीसरा, शुगर वाले सेरेलेक खरीदने से आप बचें। चौथा, एक ही सेरेलेक को आप बहुत दिन तक ना दें। बच्चे का टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा थोड़ा बदलते रहें, उसके फ्लेवर्स वगैरह थोड़ा अलग अलग फ्लेवर के सेरेलेक दीजिए। सेरेलेक देना हमें कब शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे माँ के दूध के अलावा और कोई भी फूड सब्सटेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने का भी हो गया है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि बच्चा अपनी गर्दन संभाल सकने में सक्षम है या नहीं। अगर बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है तो चोकिंग की संभावना हो सकती है, ये बात का आप ध्यान रखिए। बच्चा जो है वो विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है, क्योंकि अगर आप उसे लेटा कर सॉलिड फूड खिलाएंगे तो भी चोकिंग की संभावना हो सकती है। बच्चा आपके खाने में इंटरेस्ट लाना शुरू करे। जैसे कि आप ये कैसे जानेंगे, जब आप खाना शुरू करते हैं तो बच्चा आपके प्लेट पर आता है, उसे देखता है, उसे टेस्ट करने की कोशिश करता है, इसका मतलब जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो फूड में डेवलप हो रहा होता है। और ये बिल्कुल सही समय होता है, चाहे सेरेलेक हो या चाहे कोई और सॉलिड फूड हो, उसको शुरू करने का, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं और बहुत इजीली सॉलिड फूड को खाना शुरू कर देते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। थैंक यू।